धर्म का मोहम्मद साहब का परिचायक है। मोहम्मद साहब का परिचायक है। हिंदू धर्म की व्यवस्था में तो ओम को ही सब कुछ माना गया। ओम ही ब्रह्मा है, ओम ही विष्णु है, ओम ही महादेव है। विज्ञान अगर मानता है कि सृष्टि के आधार में तीन तत्व रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? ये ओम का अ उ मा है। ये तीन चीजें समाविष्ट होती है तब कहीं जाकर के सृष्टि का जन्म होता है। ये ओंकार का मनोविज्ञान है और इसीलिए ओम भूर भुवः स्वः, किसी भी मंत्र से पहले अगर ओम लगा दो उस मंत्र की ताकत 100 गुनी हो जाती है, 100 गुनी ताकत हो जाती है। अगर आप ओम नमो अरिहंताणम कहेंगे तो नमो अरिहंताणम की ताकत बढ़ गई। अगर हम ओम नमो अरिहंताणम कहें तो नमो अरिहंताणम की ताकत बढ़ गई। और ऐसे ही गायत्री मंत्र से पहले भी ओम लगा दिया गया है, भूर भुव स्व, भू यानी जमीन, भुव यानी पाताल, स्व यानी स्वर्ग लोक, तत्सवितुर। स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक में जो शक्ति व्याप्त है, सवितु यानी सूर्य, सवितु यानी शक्ति, सवितु यानी कि ईश्वरीय शक्ति। तो जो ईश्वरीय शक्ति पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त है, वो सबका कल्याण करने वाली, भर्गो देवस्य, सबका कल्याण करने वाली वो दैवीय शक्ति हमारी बुद्धि का उदय करे, अपनी तरफ हमारी बुद्धि को लेती चले। वेदों का प्रसिद्ध मंत्र है, उपनिषदों की प्रसिद्ध गाथा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ये सूक्त वास्तव में गायत्री मंत्र का ही विस्तार है। एक तरह से ये गायत्री मंत्र सदबुद्धि का यज्ञ है। अपनी बुद्धि को बेहतर कैसे बनाया जा सके, इसकी ये प्रार्थना है। असली तो इंसान की ताकत उसकी नमन और उसकी प्रार्थना में ही होती है। एक तरफ समर्पण हो और दूसरी तरफ प्रार्थना हो, एक तरफ समर्पण हो और दूसरी तरफ प्रार्थना हो। कहते हैं कि जैसे कि अभी मैंने पहले कहानी सुनाई थी एक नास्तिक परिवार की, वैसे ही एक और कहानी दोहरा देता हूं और वो भी एक नास्तिक परिवार की है। उस नास्तिक परिवार में एक महिला की शादी हो जाती है जिसका नाम था चूल सुभद्दा। उस महिला का नाम है चूल सुभद्दा। वो भगवान की बड़ी जबरदस्त उपासक, लेकिन जहां उसकी शादी हुई थी वहां के सारे लोग नास्तिक, मानते ही नहीं भगवान को, धर्म को, कर्म को, नैतिकताओं को। लेकिन वो महिला जब भी खाना खाओ, बैठो, उठो, अपने भगवान जी को याद करती, समर्पण करती, प्रार्थना करती और फिर कोई भी काम निपटाया करती। एक दिन की बात वो चूल सुभद्दा, ये इतिहास की बहुत प्रसिद्ध घटना है लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम। चूल सुभद्दा एक दिन हाथों में जूही के फूल लेकर के और भगवान जी की पूजा करने को तत्पर हुई। ये बौद्ध धर्म की कहानी है, भगवान श्री बुद्ध से जुड़ी हुई। कहते हैं कि चूल सुभद्दा खड़ी हुई और भगवान जी की पूजा करने के लिए रवाना हुई तो उसके ससुर ने कहा, ये तू क्यों रोज रोज हमारे फूलों को बेकार करती है, बर्बाद करती है? अरे तू यहां फूल चढ़ाती है, को यहां फूल चढ़ाए तेरे भगवान तक पहुंचते हैं क्या? बोले साहब जरूर पहुंचते हैं पापा जी, मैं जो फूल चढ़ाती हूं भगवान तक अवश्य में पहुंचते हैं। मैं जो यहां भोजन करती हूं और भोजन का कौर लेने से पहले पहला कौर भगवान जी को चढ़ाती हूं, मेरा वो पहला कौर भगवान जी जरूर कबूल करते हैं। ससुर ने कहा ऐसा कभी होता है? अरे दुनिया में आज तक कभी हुआ है? पेट में मैं डालूंगा, मेरा पेट भरेगा, तू यहां से डालेगी तेरे भगवान तक कैसे पहुंचेगा? बोले कि आप मेरी माने तो सही, इंसान की ताकत इंसान का शरीर नहीं होता, इंसान की ताकत इंसान के दिल की श्रद्धा हुआ करती है। इंसान की ताकत इंसान के दिल की श्रद्धा हुआ करती है, जरूर वहां तक पहुंचता है।
पिता ने ससुर ने कहा, अगर ऐसा है तो बुला तेरे भगवान को, हम भी देखें कैसे आ जाते हैं तेरे भगवान। अरे जा बोल तेरे भगवान को कि हमने कल सुबह है, हे प्रभु, हमने कल सुबह तुम्हें 500 शिष्यों के साथ अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, जा मैं भी देखता हूं कि तेरे भगवान कैसे आते हैं। बोले पापा जी क्या आप सच कह रहे? बोले हाँ हाँ, जा जा, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, पत्थर की लकीर है। बोले पापा जी सच्ची में न्योता दे दूं? बोले बिल्कुल दे दो, हम भी देखते हैं तुम्हारे भगवान कैसे पहुंचते हैं। चूल सुभद्दा जैसी ये सुनती है कि आज ससुर साहब आस्तिक हो गए, ससुर साहब ने हमारे घर पर भगवान जी को अपने शिष्यों के साथ न्योता दिया है भोजन करने के लिए, वो झट से गई एक पेड़ के पास और जूही के कुछ फूलों को इकट्ठा किया, और जूही के फूलों को इकट्ठा करके अपनी आत्मा से, अपने हृदय से लगाया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये आपकी शिष्या, ये आपकी पुत्री चूल सुभद्दा आपको 500 शिष्यों के साथ अपने घर पर न्योता देती है, भगवान अपने इन जूही के फूलों की लाज रखिएगा। और ये कहते वो चूल सुभद्दा वो जूही के फूल आसमान की तरफ उछाल देती है। ससुर पीछे खड़ा हंस रहा होता है, ये मेरी बहू भी कैसी सठिया गई है, अरे फूल फेंकती है कोई ऐसे न्योता पहुंचता है। उधर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच में बैठकर उपदेश दे रहे होते हैं कि तभी अचानक वो चुप हो जाते हैं। शिष्य पूछते हैं, भगवान आप चुप कैसे हो गए? भगवान ने कहा, अरे ये देखो कितनी खुशबू आ रही है जूही के फूलों की। भगवान ने कहा कि जरा देखो तो सही कितनी जोरदार खुशबू आ रही है जूही के फूलों की। शिष्यों ने कहा, भगवान यहां तो कहीं जूही के फूल नजर ही नहीं आते। बुद्ध ने कहा, अरे चारों तरफ फूल ही तो फूल नजर आ रहे हैं मुझे, चारों तरफ जूही की खुशबू आ रही है। वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं कि तभी उसी चूल सुभद्दा का पिता अनाथ पिंडिक भगवान की सभा में खड़ा होता है और कहता है, भगवान कल मैं आपको आपके 500 शिष्यों के साथ भोजन के लिए निमंत्रण दे रहा हूं। बुद्ध कहते हैं, अनाथ पिंडिक तुमने बहुत विलंब कर दिया, क्योंकि तुम खड़े हुए उससे पहले मैंने तुम्हारी बेटी का न्योता कबूल कर लिया। तुम खड़े हुए उससे पहले मैंने तुम्हारी बेटी का न्योता कबूल कर लिया। बोले भगवान आप क्या कह रहे, मेरी बेटी? अरे उसके घर वाले तो सब नास्तिक हैं, और वो यहां आई भी कहां? भगवान ने कहा, वो यहां नहीं आई, पर उसकी भावनाओं के फूल मुझ तक पहुंच गए, जूही के फूल यहां तक पहुंच गए। और ये कहते हुए बुद्ध ने सारी बात को स्पष्ट किया। अनाथ पिंडिक ने कहा, वहां के लोग नास्तिक हैं। बोले उसके ससुर ने ही रजा दी है। अनाथ पिंडिक ने कहा कि यहां से 30 कोस दूर है उनका गांव। बुद्ध ने कहा, 30 नहीं, अपने भक्त के लिए, उसकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए, उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए अगर भगवान को 300 कोस भी चलना पड़े तो कम होते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने शिष्यों से कहा कि खड़े हो जाओ, रवाना हो जाते हैं। अनाथ पिंडिक अपने आदमियों को रवाना करवा देता है घोड़ों पर बिठाकर कि जाओ और अगले गांव में जाकर के बोल के आ जाओ कि भगवान ने अपनी शिष्या का अनुरोध कबूल कर लिया है। और जब सांझ के वक्त ये सूचना पहुंचती है चूल सुभद्दा के ससुर के पास कि वास्तव में ही भगवान तक संदेशा पहुंच गया, उसे लगता है इंसान की प्रार्थना, इंसान की श्रद्धा, इंसान का नमो नमन और समर्पण निश्चित तौर पर कामयाब होता है। भोजन की तैयारी शुरू होने लगती है और सुबह का सूरज उगता है, उससे पहले भगवान चूल सुभद्दा के घर पर पहुंच चुके होते हैं। भगवान सूर्योदय होता है उससे पहले उसके घर तक पहुंच जाते हैं। भाई ये जूही के फूल, ये गुलाब के फूल, ये कमल के फूल श्री प्रभु तक पहुंचते हैं, तब तब पहुंचते हैं जब जब आप किसी नवकार और गायत्री मंत्र का स्मरण करके श्रद्धा से उनका आह्वान किया करते हैं। मंत्र खुद अपना काम करता है, मंत्र खुद अपनी शक्तियां हमारे भीतर साकार करता है। कभी भी अगर लगे सामने आपके कोई सांप आ गया, बाधा आकर के खड़ी हो गई, कोई आप घर से बाहर निकले, निकलते ही बिल्ली आ गई, अपशकुन आपको लग रहा है, आप घबराइए मत,
और सीधा हाथ जोड़िए, तीन बार नवकार मंत्र, तीन बार गायत्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। तीन बार नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र का स्मरण करते ही आप दो मिनट में देखेंगे, क्योंकि आपको स्मरण करने में दो मिनट लगे हैं, और दो मिनट में आप जैसे ही आंख खोलेंगे आप पाएंगे सर्पराज गायब, बिल्ली महाशय वहां से नदारद, शकुन अपशकुन, अब तक जिसे अपशकुन माना था, दिव्य मंत्र की शरण ग्रहण करते ही अपशकुन भी शकुन में बदल जाया करते हैं, अपशकुन भी शकुन में बदल जाया करते हैं। मंत्र का जाप करने से फायदा क्या होगा? नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र दोनों की अगर आप संवेद साधना करते हैं, दोनों का सामूहिक रूप से अगर आप पारायण और श्रवण करते हैं, पहला फायदा, नंबर एक, मंत्र का जाप करने से, मंत्र का स्मरण करने से पहला फायदा, जीव का उद्धार होता है। नंबर एक फायदा, जीव का उद्धार होता है। नंबर दो, जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है, सद्गुरु की प्राप्ति होती है। नंबर तीन, अनिष्ट का निवारण होता है, अनिष्ट का निवारण होता है। नंबर चार, जीवन में सद्गुणों का विकास होता है। नंबर पांच, प्रगति और उन्नति का पथ उपलब्ध होता है, प्रगति और उन्नति का पथ उपलब्ध होता है। नंबर छह, बंधनों से छुटकारा मिलता है। नंबर सात,